दोस्तों कौन सा वाला राउटर या फिर एक्सेस पॉइंट हमारे को खरीदना चाहिए और कौन सा है राउटर जो है हमारे, अगर जिस भी लोकेशन पे आप लगाना चाहते हैं उस लोकेशन के लिए कौन सा राउटर या फिर एक्सेस पॉइंट अच्छा है और किस तरह से वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं खरीदने से पहले। सो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय में बात करने वाले हैं। सो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूले। मैं हूँ मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। दोस्तों वैसे तो हम सभी जो है एक्सेस पॉइंट यानी कि पूरा वाईफाई वगैरह का यूज़ हर रोज करते हैं और हर जगह पे करते हैं और इंटरनेट से हम हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, कभी मोबाइल डेटा से, और मैक्सिमम टाइम जो है हम वाईफाई के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन वाईफाई जो क्रिएट करते हैं या फिर राउटर या एक्सेस पॉइंट जो हैं उनके, हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, उनसे डे पूरा जो है हमें बहुत सारी चीज़ों के चैलेंज भी आते हैं, लेकिन वो चैलेंज क्यों आते हैं वो चीज़ें हमें नहीं पता है। सो दोस्तों यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ वन बाई वन करके कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और कौन सी जगह पे आप लगाने वाले हो तो वहाँ के लिए कौन सा राउटर या फिर एक्सेस पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपको कॉन्फ़िगर करवाते वक्त या करते वक्त कौन सा चैनल आपके उस एरिया के लिए अच्छा है जहाँ पे आप वो राउटर आप कॉन्फ़िगर करने जा रहे हो। सो दोस्तों ये वीडियो में मैं पूरी डिटेल शेयर करने वाला, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो सबसे पहले दोस्तों बता दूँ कि राउटर जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर में काम करते हैं, यानी कि जितना भी हम वायरलेस नेटवर्किंग करते हैं जो कि हाँ वाईफाई क्रिएट करता है डिवाइस, वो जो है रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे काम करता है। और यहाँ पे अब तक जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है दो फ्रीक्वेंसी के अंदर जो है राउटर्स या फिर एक्सेस पॉइंट्स अवेलेबल हैं, एक है 2.4 गीगाहर्ट्ज का और दूसरा है 5.0 गीगाहर्ट्ज का। सो दोस्तों यहाँ पे अभी अगर कुछ पुराने डिवाइस की बात करें तो वहाँ पे कुछ पुराने डिवाइस जो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करते हैं, तो ऐसे डिवाइसेस के लिए अगर आप 2.4 गीगाहर्ट्ज जो आपके राउटर या फिर एक्सेस पॉइंट खरीदते हैं तो वो तो डेफिनेटली दोनों को जो है बराबर एक दूसरे को कंपैटिबिलिटी इशू आपको नहीं आएगा, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और जितनी रिक्वायरमेंट है मोबाइल को या आपके किसी डिवाइस को और वहीं उतनी रिक्वायरमेंट जो थ्रो कर रहा है वो आपका एक्सेस पॉइंट या राउटर अवेलेबल है उसके पास। सो यहाँ पे अगर 2.4 गीगाहर्ट्ज का आपका डिवाइस है, मोबाइल है, और 2.4 गीगाहर्ट्ज का ही आपका राउटर है तो दोनों में कोई भी आपको तकलीफ नहीं आने वाली। लेकिन अगर फिर भी आपको तकलीफ आ रही है तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं आगे बताऊंगा। सो 2.4 गीगाहर्ट्ज के जो भी डिवाइसेज हैं वो सिर्फ कुछ पुराने मोबाइल्स या पुराने कुछ लैपटॉप्स वगैरह को ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट में जितने भी लैपटॉप्स या फिर मोबाइल हैंडसेट्स वगैरह आ रहे हैं चाहे वो एप्पल के हैं, एप्पल के प्रोडक्ट तो डेफिनेटली 5.0 गीगाहर्ट्ज पे जो काम करते हैं, उनको जो है स्पीड की रिक्वायरमेंट ताकि आपको और अच्छे से स्पीड मिल पाए तो उसलिए जो है ये 5.0 गीगाहर्ट्ज पे वो कॉन्फ़िगर किए गए हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम एंड्रॉयड डिवाइस या कुछ विंडोज डिवाइस या लैपटॉप्स वगैरह की बात करें तो अभी जो आ रहे हैं वो सारे भी जो हैं 5.0 गीगाहर्ट्ज के सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5.0 गीगाहर्ट्ज इन दोनों का मतलब क्या है। मतलब दोस्तों ये है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज जो है वो आपको एक कम स्पीड देता है कंपेयर टू 5 गीगाहर्ट्ज, क्योंकि आज की डेट में जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे सभी जितने भी मोबाइल डिवाइस वगैरह है, अगर आप किसी मोबाइल को ख़रीदने जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप उसका वायरलेस का वाईफाई का आगे कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वहाँ पे आपको क्लियरली जो है ये चीज़ मेंशन रहती है कि वो कौन से बैंड पे जो है वो काम करता है, यानी कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को सपोर्ट करता है या फिर 5 गीगाहर्ट्ज़ को सपोर्ट करता है। सो जितने भी 5 गीगाहर्ट्ज़ को सपोर्ट करते हैं वो महंगे हैं। अब बात कर लेते हैं राउटर्स की, तो राउटर जो हैं वो दोनों ही उसमें अवेलेबल हैं। 2.4 जो गीगाहर्ट्ज के जितने भी राउटर्स हैं या एक्सेस पॉइंट्स हैं वो एन सीरीज में आते हैं, और जितने भी अभी जो 5 गीगाहर्ट्ज के जो इतने भी एक्सेस पॉइंट या राउटर्स आते हैं वो एसी कैटेगरी में आते हैं।
तो जी हाँ दोस्तों, उनके अंदर जो है मैक्सिमम जो स्पीड थ्रूपुट जो है आपको देने की क्षमता है। सो यहाँ पे अभी अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको आपके घर के लिए चाहिए या फिर ऑफिस के लिए चाहिए, तो अगर ऐसी लोकेशन है जहाँ पे जो है आपको कंटिन्यू, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपडेट होती जा रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 2.4 GHz के जो एक्सेस पॉइंट्स वगैरह हैं उनको मत खरीदिए। सस्ते आते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको स्पीड में और जो है कई बार आपको कनेक्टिविटी के इश्यूज मिल सकते हैं, क्योंकि दोनों की जो है रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट है। यानी कि एक्सेस पॉइंट जो आपका राउटर है उसके पास छोटा सा पाइप है आपको थ्रो करके देने का, और आपके जो लेटेस्ट डिवाइस आ रहे हैं वहाँ पे उनके पास बड़ा पाइप है जहाँ से वो जो है पूरा इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि वो डिमांड ज़्यादा करते हैं आपके डिवाइस, और सामने से जो राउटर जो 2.4 GHz के हैं वो उतना थ्रूपुट नहीं दे पाते। तो ऐसे में आपके राउटर्स रीबूट हो सकते हैं, आपकी कनेक्टिविटी लॉस के इशू आ सकते हैं, आपको स्पीड की जो है कमी हो सकती है। और ऐसे में अगर आप अपने ISP को कंप्लेन करेंगे कि मेरे को स्पीड कम मिल रही है, लेकिन वो ISP की नहीं आपके राउटर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो यहाँ पे हमें जो है 5.0 GHz का खरीदना चाहिए। तो मैं ये भी सजेस्ट नहीं करता कि आप वो 5 पॉइंट पे जाएं या 2.4 पे जाएं। ऐसे राउटर भी अवेलेबल हैं जहाँ पे दोनों ही बैंड अवेलेबल हैं, यानी 2.4 GHz भी अवेलेबल है और 5.0 भी अवेलेबल है उसके अंदर। सो ऐसे में क्या होगा कि जहाँ पे दोनों ही आपको बैंड अवेलेबल है, तो आपके पास अगर डिवाइस 2.4 GHz को सपोर्ट करता है तो वो भी अच्छे से चलेगा, और 5.0 GHz को चाहिए तो वो भी उसको अच्छे से सपोर्ट करेगा। सो दोस्तों, ये तो था कि दोनों को अंदर क्या डिफरेंस है और दोनों आपको कौन सा खरीदना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जिस भी लोकेशन पे आप, अगर सपोज कर लेते हैं कि आप अपने घर के अंदर जो अगर राउटर लगाना चाहते हैं या एक्सेस पॉइंट लगाना चाहते हैं, क्योंकि आज की डेट में हर किसी के पास में वाईफाई राउटर्स वगैरह इंस्टॉल्ड हैं, तो उनकी जो रेंज है वो आपके एरिया में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आके करती है। तो ऐसे में अगर आपका डिवाइस भी उसी रेंज पे चल रहा है तो आपको जो है कनेक्टिविटी या स्पीड की इश्यूज आ सकते हैं। तो इस चीज़ को चेक करें, यानी कि परचेस करने से पहले किस तरह से चेक कर सकते हैं, तो चलिए उसको मैं आप उसके लिए मैं आपको जो है मेरा मोबाइल पे दिखाता हूँ। तो ये हमारा मोबाइल है। सो ये हमारा मोबाइल है, यहाँ पे हम जाते हैं और एक एप्लीकेशन आती है जिसको कहते हैं वाईफाई एनालाइजर। सो वाईफाई एनालाइजर पे जब हम जाके क्लिक करते हैं तो ये वाईफाई एनालाइजर जो है आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या-क्या चीजें जो हैं चेक कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है एक्सेस पॉइंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये एक्सेस पॉइंट जो है कितने DB पे काम कर रहा है और कितना DB है जो है आपको, तो वहाँ से वाईफाई सिग्नल्स मिल रहे हैं, वो सारी सारी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और वो कौन से कितनी थ्रूपुट दे पा रहा है, 72 Mbps का थ्रूपुट दे पा रहा है, और उसका जो IP है वो आपको दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ मैक एड्रेस भी दिखाई दे रहा है। सो दोस्तों, ऐसे में आपको यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप टाइम ग्राफ के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे आपको अभी जो ऊपर साइड में आप देख रहे हैं 2.4 GHz दिखाई दे रहा है। तो अभी हम 2.4 GHz के कितने वाईफाई एक्सेस पॉइंट आपके सराउंडिंग एरिया में लगे हुए हैं और वो कितनी कौन से का कितना सिग्नल जो है वो आप तक पहुंच पा रहा है, ये चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे कुछ जो एक्सेस पॉइंट्स वगैरह हैं वो हमें यहाँ पे लिस्ट में ऊपर दिखाई दे रहे हैं, और किसका कितना DB सिग्नल्स जो है वो हमें मिल पा रहा है, तो ये पूरा का पूरा एरिया जो हमें दिखा रहा है। सो ये अभी जो है सबसे ज़्यादा एज यू कैन सी कि जो कि 29 और 30 to 40 के बीच में जो सिग्नल एक आ रहा है जामुनी कलर में, तो वो जो है हमारा जो मेरे पास में राउटर लगा हुआ है बिल्कुल उसका सिग्नल स्ट्रेंथ है। और साथ ही साथ नीचे ग्रीन, येलो और ब्लू, ऑरेंज टाइप में जो कलर दिख रहे हैं जिनका जो DB है वो 90-80 तक जा रहा है। तो यानी कि उनके जो सिग्नल्स हैं हम तक पहुंच तो रहे हैं लेकिन इतने अच्छे से नहीं पहुंच रहे कि वो हम जो है उस पर कनेक्ट होके अच्छे से काम कर पाए। सो ये चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन आपके एक्सेस पॉइंट यानी कि आपके वायरलेस पॉइंट के उधर भी जो है आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको वो इंटरफेयर कर ही रहे हैं। और अभी बात कर लेते हैं हम 5 GHz पे स्विच करते हैं,
तो जैसे ही हमने 5 GHz पे स्विच किया तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो सिग्नल्स हैं वो सभी के खत्म हो गए हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो हमारे सराउंडिंग के अंदर जितने भी एक्सेस पॉइंट्स लगे हुए हैं या राउटर्स लगे हुए हैं वो सारे के सारे 2.4 GHz में काम कर रहे हैं। 5 GHz के अंदर कोई भी राउटर या कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब है अगर आपको खरीदना है और आप चाहते हैं कि आपका जो स्पीड है अच्छे से मिले, आपको कोई उससे कनेक्टिविटी में इशू ना आए, तो ऐसे में आप जो है 5.0 GHz का 5 GHz का जो है राउटर खरीदना प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़े महंगे आते हैं और आपका इतना बजट नहीं है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे चलते हैं। और यहाँ पे अगर आप 2.4 GHz का लेके हैं तो यहाँ पे आप चैनल ग्राफ भी देख सकते हैं। तो एज यू कैन सी अभी हम 5 GHz पे हैं तो यहाँ पे कोई भी चैनल ग्राफ नहीं आ रहा है। तो अभी 2.4 GHz पे चलते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सिग्नल्स जहाँ पे पूरा एक ट्रायंगुलर बना रहे हैं वहीं पे जो है हमारे नेटवर्क के अंदर जो है पूरा का पूरा इंटरफेरेंस कर रहे हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है वो आपको मैं अब बताता हूँ। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है चैनल रेटिंग, तो चैनल रेटिंग पे क्लिक करते हैं। तो यानी कि हर जितने भी एक्सेस पॉइंट्स है दोनों बैंड के अंदर, चाहे 2.4 GHz में है या फिर 5.0 GHz में है, तो उन सभी में जो है चैनल सिस्टम्स होते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे चैनल नंबर आ रहा है और यहाँ पे लिख के आ रहा है बेस्ट चैनल नंबर्स, ऊपर में आपको दिखा रहा है। तो कुछ 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। और साथ ही साथ नीचे पूरी एक चैनल रेटिंग आ रही है, ग्रीन है, और साथ में चैनल नंबर्स आ रहे हैं। और उसके आगे जो है हमें एक्सेस पॉइंट काउंटिंग लिखी आ रही है, यानी कि कौन से चैनल में कितने एक्सेस पॉइंट या राउटर्स कॉन्फ़िगर है वो भी आपको दिख पा रहे हैं। तो ऐसे में अभी ऐसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो येलो हो गए हैं, तो इसका मतलब है ये जो चैनल्स हैं वो आप अगर ना यूज़ करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो आपको फिर कौन से यूज़ करनी है, जहाँ पे आपको एक्सेस पॉइंट काउंट में 0 मिल रहा है या फिर 1 मिल रहे हैं, तो आप वो चैनल यानी कि 9, 10, 11, 12, 13 जो है वो ये चैनल आपके लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि हर राउटर या उसके अंदर जो है चैनल कॉन्फ़िगर करने का सिस्टम होता है, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। सेम वे यहाँ पे जो है आप 5 GHz में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सेस पॉइंट काउंट जो 0 दिख रहा है और चैनल नंबर जो है आपको कंप्लीट बराबर के बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में जो है आई होप कि दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको कॉन्फ़िगर करते वक्त जो है किस चीज़ का ध्यान रखना है और किस तरह से जो है आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। अपने मतलब जो एक्सेस पॉइंट्स वगैरह हैं उनको किस तरह से जो है आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर 2.4 GHz में भी लेके आ रहे हैं और अगर 5 का लेके आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं। क्योंकि आपके एरिया के अंदर इस वक्त अगर जो मैंने एनालाइजर में दिखाया तो ये आपको पता चल गया कि आपके सराउंडिंग में 5 GHz का कोई भी डिवाइस अवेलेबल नहीं है, तो आप वो खरीद के ला सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा लेकिन आपके लिए पूरा हैसल फ्री रहेगा। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हमें जो राउटर या एक्सेस पॉइंट है वो किस तरह का लेके आना है, कौन से ब्रांड का लेके आना, बैंड का लेके आना है, और अगर बैंड अगर 2.4 भी लेकर आ गए हैं तो उसको किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, किस चैनल में कॉन्फ़िगर करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप इस एक्स वाईफाई एनालाइजर एप्लीकेशन के द्वारा जो है सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अगर किसी को कोई भी क्लैरिफिकेशन या कोई भी आपका डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के बहुत से कोर टेक्निकल वीडियोज़ हम लेके आ चुके हैं और आगे भी लेके आते ही रहेंगे। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।